हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एम एस साइंस एकेडमी मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी के पार्ट टू के बारे में ठीक है हमने अभी पार्ट वन रिलीज किया है जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करी थी अब हम उसी जो है टर्मिनोलॉजीज को आगे बढ़ाएंगे और क्या अदर टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे चलिए तो फटाफट से विदाउट टाइम डिले हम शुरू करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी पार्ट टू ठीक है अब इसके अंदर सबसे पहले अब हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है वो देखिए इसमें हमने डिवाइड किया है प्लेन ऑफ द बॉडी ठीक है अब प्लेन ऑफ द बॉडी में हमारे पास जो प्लेन है वो तीन तरीके के प्लेन है सजाइटल प्लेन फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन भी इसे हम बोलते हैं एंड थर्ड इज़ द ट्रांसवर्स प्लेन ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे सजाइटल प्लेन की सजाइटल प्लेन जो होता है इसमें इट्स अ वर्टिकल प्लेन यानी कि एक खड़ा हुआ प्लेन है जिसमें हम डिवाइड करते हैं बॉडी को लेफ्ट और राइट में ठीक है जैसे ये ये मेरी बिटिया की डॉल है उसे मैं लेके आई हूं तो यहां पर अगर हम सजाइटल प्लेन की बात करें तो वो प्लेन ऐसा रहेगा ठीक है और इसमें हम बॉडी को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करेंगे ठीक है यानी इसका जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड में इसकी बॉडी डिवाइड हो वो वाला प्लेन ठीक है तो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे दैट तो इज द सजाइटल प्लेन ठीक है अब यहाँ पर सजाइटल प्लेन में भी आपके दो प्लेन होते हैं मिड सजाइटल एंड पैरा सजाइटल ठीक है तो वर्ट तो सजाइटल में ये वाली तो कि ऐसा प्लेन जो कि वर्टिकल हो यानी खड़ा हुआ हो और बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करे अब इसमें भी दो जो है पार्ट है मिड सजाइटल मतलब वर्टिकल प्लेन जिसमें इक्वल राइट right और लेफ्ट साइड डिवाइड हो यानी कि बिल्कुल बीच में से चले और इक्वल राइट इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट में बॉडी डिवाइड हो वो मिड सजाइटल है और पेरा सजाएटिल, पेरा सजाएटिल मतलब कि जैसे बॉडी जो है ठीक है ये ये बॉडी जो है, थोड़ा सा ऐसा बीच में मतलब कि वर्टिकल प्लेन तो हो लेकिन इक्वल इक्वल लेफ्ट और इक्वल राइट में ना हो ठीक है तो इसका मतलब ये है कि सपोज दैट अगर हम इसकी बॉडी को थोड़ा सा ऐसे यहां से डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल लेफ्ट और इक्वल राइट में डिवाइड नहीं होगी एंड दैट प्लेन इज नोन एज द पैरासजाइटल प्लेन ठीक है समझ में आई ये बात ठीक है तो वर्टिकल प्लेन डिवाइड इंटू अन इक्वल लेफ्ट एंड राइट साइड समझ में आ गया तो सजाइटल प्लेन क्या है वर्टिकल प्लेन जो कि लेफ्ट और राइट में बॉडी को डिवाइड करता है उसके बाद जो है फ्रंटल या कोरोनल प्लेन फ्रंटल प्लेन में क्या है द प्लेन डिवाइड द बॉडी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड ठीक है तो फ्रंटल प्लेन जो होता है यानी कि अगर मैं बॉडी को इस तरीके से डिवाइड कर दूं, ठीक है यहां बीच में से बीच में से डिवाइड करूं तो इसका एक पार्ट एंटीरियर पार्ट बनेगा और एक पार्ट पोस्टीरियर पार्ट बनेगा ठीक है तो इसका मतलब एक पार्ट फ्रंट बनेगा इस अगर मैं ऐसा आरा मतलब कि इस तरीके से इसको डिवाइड कर दूं तो ठीक है तो इस एक जो होगा फ्रंट बनेगा और एक बैक बनेगा या जैसे कोई ये बॉडी है ठीक है इसको आप बीच में से डिवाइड कर दो तो एक पार्ट जो है वो फ्रंट बनेगा और एक पार्ट आपका बैक बनेगा ठीक है तो ये फ्रंटल प्लेन हो गया आपका या कोरोनल प्लेन हो गया ठीक है <laughs> उसके बाद जो है थर्ड दैट इज द ट्रांसफर्स यानी कि क्रॉस सेक्शनल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पैरेलल टू द ग्राउंड अब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ये इस तरीके से जो कि ग्राउंड के पैरेलल है हॉरिजॉन्टल सॉरी एक तो हॉरिजॉन्टल है टू ग्राउंड है एंड बॉडी अप एंड डाउन को अप और डाउन में डिवाइड करती है अपर पार्ट और डाउन पार्ट ठीक है <laughs> तो यहां पर जो है horizontal plane है है. है ये ये के है, और ये बॉडी को अप और डाउन में डिवाइड करती है समझ में आ गया तो आपके जो है तीन प्लेन है सजाइटल ट्रांसवर्स प्लेन सजाइटल राइट में फ्रंटल प्लेन में डिवाइड होगी बॉडी फ्रंट और बैक में और ट्रांसवर्स प्लेन में यानी क्रॉस सेक्शनल प्लेन में बॉडी डिवाइड होगी अप और डाउन पार्ट में ठीक है डन अब हम बात कर लेते हैं यहां पर बॉडी कैविटीज के हिसाब से टर्मिनोलॉजीज की बॉडी कैविटीज़ जो होती है कैविटी मतलब कोई भी खाली स्पेस बॉडी कैविटी आर स्पेस विद इन द बॉडी विच हेल्प दैट हेल्प प्रोटेक्ट एंड सेपरेट एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन तो बॉडी कैविटी जो होती है इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करती है जनरली बॉडी कैविटीज़ आपकी चार होती हैं क्रेनियल थॉरेसिक एबडामिनल एंड पेल्विक क्रेनियल कैविटी थॉरेसिक कैविटी एबडोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी क्रेनियल कैविटी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉट इज अ क्रेनियल कैविटी क्रेनियल कैविटी क्रेनियल मतलब कि हमारा जो ऐसा ऐसी कैविटी जो कि जो कि ब्रेन के पास प्रेजेंट है तो क्रेनियल कैविटी जो है क्रेनियल बोन्स फॉर्म द क्रेनियल कैविटी विच कंटेन्स द ब्रेन अब यहाँ पर जो है एक चीज़ जो आ, आ, हमें समझने की है कि हमारे पास एक सेकेंड है ना ये मैं थोड़ा सा सेटल कर लूँ हाँ तो यहाँ पर जो है बिल्कुल तो कैविटी के अंदर जो है यानी क्रेनियल कैविटी हमारी बोन्स जो है क्रेनियल बोन से बनी है यानी कि वो बोन्स जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं तो क्रेनियल बोन्स फ्रॉम फॉर्म द क्रेनियल कैविटी विच कंटेन ब्रेन ठीक है अब यहाँ पर इस क्रेनियल कैविटी के जो है एंटीरियर साइड पे हमारा फ्रंटल बोन होती है ठीक है फ्रंटल बोन होती है एंटीरियर साइड पे एक फ्रंटल बोन होती है ठीक है इसका देखती हूँ हूं हाँ ताकि कोई गलत ना हो जाए ठीक है तो फ्रंटल बोन जो होती है वो वन होती है आपकी एंटीरियर साइड पे ठीक है उसके बाद लेटरल साइड पे आपकी दो टेम्पोरल बोन्स होती हैं दो टेम्पोरल बोन्स होती हैं पोस्टीरियर साइड पे पीछे की साइड पे ऑसिपिटल होती है और वो एक होती है ठीक है उसके बाद जो है सुपीरियर सुपीरियर जो है यहाँ पर ऊपर साइड पे सुपीरियरली आपकी दो पैराइटल जहां से आप मांग निकालते हैं ठीक है तो वो जो है आपका दो पैराइटल बोन्स होती हैं ठीक है थीके? ये दो पैराइटल बोन्स हो गई उसके बाद इंफीरियर साइड पे यानी कि अगर हम देखें ये इधर से साइड पे जाएगा इन्फीरियर साइड पे आपका स्फिनॉइड एथेमॉइड दो बोन्स होती है स्फिनॉइड बोन्स एथेमॉइड बोन और इसके अलावा जो है फ्रंटल टेम्पोरल और ऑसिपिटल फ्रंटल टेम्पोरल और ऑसिबिटल का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो नीचे की तरफ आता है वो भी पार्ट को बनाता है समझ में आगे बात कि जो क्रेनियल है क्रेनियल कैविटी क्रेनियल बोन से मिलकर बनी हुई है और इसमें आपका ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है ठीक है और यहाँ पर इसके एंटीरियर पार्ट में फ्रंटल जो कि एक बोन है इसके लेटरल पार्ट में टेम्पोरल जो कि दो बोन्स है इसके पोस्टीरियर पार्ट में आपका ऑसिबिटल बोन है ठीक है सुपीरियर पार्ट में दो पेराइटल बोन हैं और इन्फीरियर में स्पिनोइड, एथमॉइड और फ्रंटल टेम्पोरल और ऑसिपिटल का कुछ कुछ पार्ट है एंड पार्ट ऑफ फ्रंटल एंड टेम्पोरल अब हम दूसरी कैविटीज थोड़ा एब्डोमिनल और पेल्विक की बात कर लेते हैं फटाफट से और फिर इस जो है इसमें हम कैविटीज वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं

पोस्टीरियर साइड पे बैक साइड पे थोरेसिक वर्टिब्रा। एक्चुअली हमारे के पांच पार्ट होते हैं सर्वाइकल थोरेसिक सर्वाइकल एंड कॉडल सर्वाइकल आपका, सर्वाइकल वर्टिब्रा नेक रीजन में सर्वाइकल थोरेसिक रीजन में थोरेसिक वर्टिब्रा, एब्डोमिनल रीजन में लंबर वॉटिब्रा एंड टेल रीजन प्रेजेंट द सुपीरियर साइड सुपीरियर साइड रूट ऑफ द नेक द वेयर द नेक एंड यानी कि नेक जहां एंड होती है वो इसका सुपीरियर पार्ट बनाता है इन्फीरियर साइड पे डायफ्राम एक डोम शेप ऑर्गन होता है ये आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं पढ़ा है तो हम बिल्कुल पढ़ेंगे ठीक <laughs> है डायफ्राम प्रेजेंट होता है ठीक है जो आपका थॉरेसिक कैविटी है उसमें तीन अदर कैविटीज भी इंक्लूडेड होती है प्लूरल कैविटी पेरिकार्डियल कैविटी सी स्टैंड फॉर कैविटी एंड द मीडियस्टीनम स्पेस प्लूरल कैविटी वो कैविटी होती है जहां पर लंग प्रेजेंट होता है इट्स अराउंड द लंग्स लंग्सार्डियल कैविटी वो जगह होती है जो कि हार्ट को घेरे हुए रहती है और मीडिया स्टीनम स्पेस जो लंग्स के बीच में जो जगह होती है सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी ये थोरेसिक कैविटी का सेंट्रल पोर्शन है और ये दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होगा बिटवीन द लंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द स्टर्नम टू वाटिब्रा अब देखिए आपका ये जो मीडियास्टिनम स्पेस है ये किस इसके अंदर क्या-क्या आएगा स्टर्नम स्टर्नम से लेके वर्टीब्रल कॉलम और नेक से लेके डायफ्राम ठीक है नेक से लेके डायफ्राम ठीक है और क्या-क्या ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं थोरसिक कैविटी में मेनली लंग्स और हार्ट डन नाउ कम टू द थर्ड कैविटी दैट इज द एब्डोमिनल कैविटी दैट इज द एब्डोमिनल कैविटी एब्डोमिनल कैविटी इज द लार्जेस्ट कैविटी इज द लार्जेस्ट कैविटी ओके और ट्रंक का जो ज्यादातर हिस्सा है मोस्ट ऑफ द ट्रंक कवर्ड बाय दिस कैविटी क्योंकि ट्रंक में हमने थोरेसिक वाला रीजन भी इंक्लूड किया है और एब्डोमिनल वाला भी आपको पता होना चाहिए यह हमने पार्ट वन में ढंग से बता दिया है ठीक है <laughs> तो ट्रंक वाले रीजन में आपका जो है ट्रंक वाला रीजन मोस्ट ऑफ द ट्रंक रीजन जो है आपका एब्डोमिनल पार्ट पर कवर हो जाता है सुपीरियरली सबसे ऊपर जो है इस एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर डायफ्राम आएगा

पे पे ठीक है और जो लेटरल है, लेटरल पे रिप्स इसको घेरे हुए रहती हैं एंड है ऑर्गन क्या क्या प्रेजेंट है जैसा कि हमने बोला है कि एब्डोमिनल कैविटी इज द लार्जेस्ट कैविटी तो ऑर्गन भी बहुत सारे होंगे तो यहां पर ऑर्गन कौन कौन से हैं जैसे स्टमक है लीवर है पेनक्रियाज है गॉल ब्लैडर है आपका है ना स्टमक है लीवर है पैंक्रियाज है किडनी है एडिनल ग्लैंड है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट स्प्लिन है ना गॉल ब्लैडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो ठीक है गॉल ब्लैडर ओके सो दीज आर द ऑर्गन्स विच प्रेजेंट इन द स्मॉल इन द एब्डोमिनल कैविटी फिर हम चलिए फटाफट से हम बात कर लेते हैं पेल्विक कैविटीज की चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेल्विक कैविटी की जैसे कि पेल्विक कैविटी हमने बोला है कि एब्डोमिनल कैविटी के नीचे प्रेजेंट है यानी पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है यानी हमारा हिप्स वाला रीजन ठीक है और ये जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये रीजन हमारा थोड़ा सा फनल यानी कि इस तरीके का शेप का हो जाता है ठीक है तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट्स अ रफली फनल शेप्ड कैविटी ठीक है इसको हम बोल सकते हैं रफली फनल शेप्ड ठीक है ना थोड़ा सा फनल शेप जैसा हिस्सा हो जाता है यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा उभरा हुआ है उभार के और फिर नीचे की तरफ ऐसा हो जाता है ठीक है वहां पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें प्रेजेंट होते हैं ठीक है और ये कहाँ से स्टार्ट होता है इट्स स्टार्ट द इट स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ठीक है तो ये कहाँ से स्टार्ट start होगा स्टार्ट फ्रॉम लोअर एंड ऑफ द एबडोमिनल कैविटी लोअर एंड ऑफ एबडामिनल कैविटी ठीक है ना अब यहां पर जो है एब्डोमिनल कैविटी के लोअर साइड से ये स्टार्ट हो जाता है इसके सुपीरियर साइड पे अब एबडामिनल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है तो सुपीरियर साइड पे क्या हुआ एब्डोमिनल कैविटी तो इसके सुपीरियर साइड पे हो गया एब्डोमिनल कैविटी है ना सुपीरियर साइड पे तो एब्डोमिनल कैविटी हो गई उसके बाद एंटीरियर साइड पे एंटीरियर साइड पे इसमें प्यूबिक बोन्स हो गई एंटीरियर साइड पे प्यूबिक बोन्स हो गई ठीक है जो हमारा हिप्स वाला रीजन और ये सब बनाती है इसके बाद पोस्ट पोस्टीरियर साइड पे हमारा पोस्टीरियर साइड पे सैक्रल और कोडल यानी कोक्स सैक्रम और कोक्स वाली वर्टीब्रास है तो इसमें पोस्टीरियर साइड पे सैक्रम एंड कोक्स ठीक है सैक्रम और कोक्स वाला रीजन है इसके अलावा लैटरल साइड पे लैटरल साइड्स पे हमारी कुछ इन uh, जो हम बोल सकते हैं इनोमिनेट जो बोन्स होती हैं वो यहां पर लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होती है इसको हम बोल सकते हैं इनोमिनेट बोन्स ठीक है bones, जो हमारा हिप्स वाले रीजन से अटैच होती है एक्चुअली वो हमारा एसिटाबुलम कैविटीज वाला पार्ट बनाएंगी ठीक है <laughs> इसके अलावा इन्फीरियर साइड पे परफीरियर साइड पे जो हमारा पेल्विक uh, रीजन है ठीक है पेल्विक रीजन उसकी uh, जो है मसल्स जो है इसमें अटैच uh, होती है इन्फीरियर साइड पे ठीक है मसल्स ऑफ पेल्विक रीजन ठीक है ठीक अब यहां पर इसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं हमारे पेल्विक कैविटीज में पेल्विक कैविटीज में हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके अलावा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ठीक है इसके अलावा आपका आ, ये बोल सकते हैं कि स्मॉल सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट बचा है रेक्टम और एनस वो प्रेजेंट होता है तो ऑर्गन इसके अंदर क्या है हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूरेटर यूरेटर एक मिनट यूरिनरी ब्लैडर सॉरी यूरेटर तो उसमें आ गया था यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक है इसके अलावा रेक्टम एनस ये पार्ट इसमें इंक्लूड होते हैं ठीक है ये चीज़ हमारी हो गई तो यहां पर हमारा पेल्विक पार्ट वाल पेल्विक कैविटी भी कंप्लीट होती है यहाँ पर हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी की कैविटी वाला पार्ट कंप्लीट है थोड़ी बहुत जो बची है वो हम पार्ट थ्री में कंप्लीट करेंगे आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा कोई भी डाउट कमें, कमेंट सेक्शन में पूछिए अदरवाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू